हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास एक फ़ोन आया है, M01 सैमसंग का वाटर डैमेज फ़ोन है। जब मैंने इसकी ये सील्ड कट की है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी गया हुआ है इस एरिया के अंदर। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे चेक कराता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे कि इसके अंदर कितना पानी गया हुआ पावर आईसीयू में। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे जितने भी कॉइल है, ये चार्जिंग आईसी, ये पावर आईसी, इन सब पे पानी गया हुआ है। देख सकते हैं इसके कितना पानी गया हुआ है इस पे। तो हम इसे करेंगे, इन्हें क्लीन करेंगे और क्लीन वगैरह करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो फोन है हमारा ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। बाकी इस फोन में कहीं और पानी नहीं गया हुआ है। बाकी हम ये भी सील्ड अभी रिमूव करेंगे, ये वाली सील्ड और हम ये वाली सील्ड, क्योंकि गाइस इन सील्ड के अंदर भी पानी हो सकता है। और जो इसका ये डिस्प्ले का जो करेक्टर है, इसके भी पानी गया हुआ है गाइस। तो कुछ चेक कराता हूँ मैं, तो वैसे अभी चेक कर सकते हैं कि इस पर कितना पानी गया हुआ है इस कनेक्टर पे भी। तो गाइस जल्दी से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ सील्ड को, और फिर चेक करते हैं। ये जो दो सील्ड है इनको भी अब कट करेंगे। फ़ोन हमने क्लीन कर ही लिया है, देखेंगे कि इन सील्ड के अंदर भी कोई लिक्विड तो नहीं है। और जब मैंने ये सील्ड कट की तो इसके अंदर मुझे कोई भी लिक्विड नहीं मिला। तो गाइस नेटवर्क एरिया में कोई भी लिक्विड नहीं है, जो भी लिक्विड है वो हमारी पावर आईसी और चार्जिंग आईसी पे है। तो मैं चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों को रिमूव करूँगा। तो गाइस कभी भी आप आईसीयू को रिमूव करते हैं तो बोर्ड पे मार्क जरूर कर लिया करो, ताकि उससे ये याद रहे कि हमारी जो आईसी की साइड है वो किस साइड है। तो गाइस इसमें जो हमारे PMI 632 है उसमें हल्का सा लिक्विड गया हुआ है। तो मैं दोनों आईसीयू को रिमूव कर लिया मैंने। अब इसको बोर्ड को क्लीन करके और हम इसकी पावर आईसीयू को जो है वो रिवॉल्व करके लगाएंगे। रिवॉल्व करके फिर हम चेक करेंगे जो ये हमारा फ़ोन है वो जो डेड है वो रिकवर होता है या रिकवर नहीं होता है। तो गाइस वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस मैंने टाइम सेव करने के लिए दोनों वीडियो को मर्ज कर दिया है, आईसी रिवॉल्विंग और बोर्ड को क्लीनिंग की। और मैंने दोनों जो मेरी पावर आईसी और चार्जिंग आईसी, उन दोनों को मैंने एक साथ ही रिवॉल्व कर दिया है। ऐसा देख सकते हैं, मैं दोनों आईसी को एक साथ रिवॉल्व कर दिया है टाइम को सेव करने के लिए। और गाइस आप वीडियो पूरी देखते नहीं है इसलिए मुझे वीडियो मर्ज करनी पड़ती है एक साथ, क्योंकि लोग लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते। और गाइस मैंने इस फ़ोन के अंदर ना तो उसकी VPS की लाइन चेक करी है, ना मैंने उसकी VPAT की लाइन चेक की है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि पावर आईसी और चार्जिंग आईसी के अंदर हमारा लिक्विड गया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को रिमूव करके रिवॉल्व किया। अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो वो ऐसे ही हट जाती है हमारी रिवॉल्व करने से ही, और उसके बाद भी अगर कोई शॉर्टिंग आती तो फिर हम उसे भी चेक करते। बट कस्टमर खड़ा था, उसको भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट था ये फ़ोन, तो मैंने तो डायरेक्ट पावर आईसी और चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व कर दिया। तो गाइस इसके कनेक्टर भी पानी गया हुआ था, जो ये हमारे प्लस का पॉइंट है, ये पानी की वजह से लूज़ हो गया है। तो इसको भी मैंने रिसोल्ड किया है, और रिसोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको चेक किया है। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस हमने इसका जो पत्ता से पानी गया हुआ था वो भी हमने, देखिए गाइस ये कॉर्नर है, कॉर्नर से पानी गया हुआ था ये भी हमने रिसोल्ड कर लिया है। और हमने अपने बोर्ड पे जो पावर आईसी है और चार्जिंग आईसी है उनको भी क्लीन करके इंस्टॉल कर लिया। तो गाइस चेक करते हैं कि ये फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ये सेटअप हो गया है, और हमने जो ये सील्ड उखाड़ी थी और ये वाली जो सील्ड हमने उखाड़ी थी, इन सील्ड के अंदर कोई भी हमें पानी नहीं मिला, कुछ भी पानी नहीं मिला, ना कोई लिक्विड मिला है। लिक्विड हमारा क्लीन हो चुका है। चेक करते हैं गाइस फ़ोन हमारा ये ऑन होता है या नहीं होता है। गाइस फ़ोन हमारा 100% डेड जो था रिकवर हो चुका है, M01। गैस हमने क्या करा है, जो जितना भी लिक्विड था हमने उसे क्लीन करा, और जो हमारी आईसीयू के नीचे जो भी था लिक्विड था हमने उनको रिसोल्ड कर दिया, रिवॉल्व कर दिया चार्जिंग आईसी और पावर आईसी। गैस फोन हमारा ऑन हो चुका है। तो प्लीज़ गैस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। देखते हैं गैस पूरा प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता है, चेक करते हैं। गाइस सैमसंग हमारा आ चुका है, देखते हैं गाइस
ये आगे जाता है या नहीं आता जाता है इससे। गाइस देख सकते हैं फ़ोन जो है हमारा वो ऑन हो चुका है, यानी जो डैट था वाटर डैमेज। अब देख फोल्डर के अंदर भी देख सकते हैं गाइस कि पानी क्या हुआ कितना। तो जो हमारा ये लिक्विड डैमेज फ़ोन था ये डैट रिकवर हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।